देखिए कल का जो मैच है, अब आईपीएल की हिस्ट्री में जबरदस्त मैच है। क्यों बोलते हो, हम देखिए हार्दिक पांड्या गुजरात में 2 साल से खेल रहे हैं, 2 साल से गुजरात को जीता है, अब अचानक बॉम्बे में चले गए। अब रोहित शर्मा कैप्टनसी हट गए, मगर शुभम गिल वर्सेस हार्दिक पांड्या का मैच और बॉम्बे वर्सेस गुजरात का मैच काफी अच्छा मैच रहेगा, क्योंकि अब 2 साल से इधर खेल रहे थे, अब अपोजिट टीम में खेलेंगे, वही टीम के अपोजिट खेलेंगे, न्यू फ्रेंचाइज, उनके ओल्ड फ्रेंचाइजी, मगर ओल्ड फ्रेंचाइजी के मेरे साथ कुछ यंगस्टर से देखिए बेटा कैसा दिखेगा ये मैच, दोनों के लिए काफी अच्छा एक्साइटिंग मैच रहेगा। बहुत एक्साइटिंग रहेगा क्योंकि पहले हार्दिक पांड्या गुजरात कैप्टनशिप करके इतना अच्छा खिला के मुंबई में अब चले गए, अब शुभमन गिल वहाँ गुजरात में कैप्टन आ गए और दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है और शुभमन गिल को नई कप्तानी दी है, कैसा है ये? अब हम देखिए रुद्राराज गायकवाड कल के मैच में अच्छी कप्तानी करके जीता है, तो यूँ भी करेंगे कुछ? हाँ, ये भी शुभमन गिल भी कर सकते हैं, वो भी एक अच्छे प्लेयर है, तो ऐसे पहली बार ऐसे कैप्टनशिप करेंगे और उनको लर्न भी होगा। आप क्या बोलते हैं, गुजरात में अच्छी मिडिल ऑर्डर काफ़ी अच्छा था गुजरात में, बट हार्दिक पांड्या के बाद कुछ गुजरात मिडिल ऑर्डर में कमजोरी दिखेंगे बेटा? हाँ सर, क्योंकि हार्दिक पांड्या मेन सोर्स था मिडिल ऑर्डर में रन स्कोरिंग का। हाँ, तो अभी हार्दिक पांड्या जब मुंबई इंडियंस हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। डेविड मिलर, साई सुदर्शन, ये लोग अच्छी टीम है ना, पूरी बैलेंस टीम है। हाँ सर, शमी नहीं खेल रहे, कुछ परेशानी ये सर, वो डेथ ओवर्स में कुछ कमजोरी हो सकती है, मगर पावर प्ले में थोड़ी परेशानी होगी शमी, सही है ना? यस। तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा मेरे को राशिद खान है वहाँ पर, हाँ सर, कमर करमती खान कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, मगर दोनों टीम में बैलेंस टीम आपकी कोशिश दिख रही है आपको? ज़्यादा गुजरात सर, गुजरात बैलेंस है, जीतने के चांसेस है। मुंबई इंडियंस के फैंस है, अभी गुजरात के फैंस थे, मुंबई इंडियंस के फैंस है, मेरे साथ युवराज है। युवराज, मुंबई इंडियंस का टीम देखिए, लास्ट 2 सीजन से जब से हार्दिक पांड्या या कुणाल पांड्या ये लोग हट गए मिडिल ऑर्डर में, या पैलेंस था टीम फाइनल तक नहीं पहुंचा कुछ भी, और अब कैसा दिख रहा टीम? अब अच्छा है सर, अभी हार्दिक पांड्या मेन सोर्स है ना सर। हाँ, अभी रोहित शर्मा गाइडेंस तो भी दे सकता है क्योंकि एक्सपीरियंस है, फाइव टाइटल्स जीता है। हाँ, तो रोहित शर्मा को रखना था कि हार्दिक पांड्या को रखे तो अच्छा था? रोहित शर्मा को रखने का तो अच्छा था, तो हार्दिक पांड्या एज ए प्लेयर खेलना था, बिकॉज ऑफ द इंडियन टीम में उन कैप्टन है और T20 वर्ल्ड कप में भी उन कैप्टन है, करेक्ट है ना? हाँ सर। और हम देखिए हार्दिक, ये रोहित शर्मा रहें दो या सूर्य कुमार यादव रहें दो, ईशान किशन या तिलक वर्मा, टीम डेविड मिडिल ऑर्डर में थोड़ा अच्छा बैलेंस टीम है। हाँ सर, मिडिल ऑर्डर में अच्छा बैलेंस टीम है। हाँ, बुमराह है। अगर हम देखिए जैसा कुणाल पांड्या हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते थे, अब वैसा वो है फिर अभी भी चांसेस है जीता फाइट करने के लिए? हाँ सर, चांसेस है। आप क्या बोलते हैं बेटा, होम ग्राउंड में लास्ट 2 साल से खेल रहे हार्दिक पांड्या, अब अपोजिट टीम में सेम ग्राउंड में खेलेंगे मैच, तो कैसा उनके ऊपर कुछ प्रेशर रहेगा? ऑफ कोर्स प्रेशर रहेगा, क्योंकि इतने बड़े प्राइस टैग के साथ यू नो कैप्टन बनकर आ रहे हैं, तो ऊपर से रोहित शर्मा जो मतलब उन्होंने 5 टाइटल्स जीता है पिछले 10 ईयर्स से, तो अगर उनको हटाएगा तो प्रेशर रहेगा, और ऊपर से MI बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है उनकी, यू नो टॉप 5 पूरी इंडियन है, एंड ईशान किशन रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार, नबी भी है उसमें, सुरेश गोपाल अच्छे लेग स्पिनर है। हाँ, इनके बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, जसप्रीत बुमराह भी है, पीयूष चावला भी है, आकाश मधवाल भी है, वो पिछले साल बहुत अच्छा गया था, और मोहम्मद नबी का एक्सपीरियंस भी काम है। ये करेक्ट है, देखिए आप दोनों टीमों की अपनी अपनी राय है, ये फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस या गुजरात? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस, योर टीम मुंबई इंडियंस, गुजरात। ये देखो गुजरात का पट्टा, देखिए मुंबई इंडियंस रहें दो या गुजरात रहें दो, हम एंजॉय करना, गेम एंजॉय करना, जब मैच एंजॉय करेंगे आपको मज़ा आएगा, जब मैच खेलेंगे या आप देखेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। ये देखिए अश्विन का बॉलिंग निशान है इसका, ये अच्छा विकेटकीपर बैट्समैन है, अच्छा ऑलराउंडर है, वन स्क्रीन को आप लोग देखे काफ़ी वीडियोज़ वगैरह, अच्छे ऑलराउंडर है, आगे फ्यूचर में ये बच्चे आगे 4-5 साल में इंशाल्लाह जरूर IPL के लिए रेडी होते हैं, बच्चे हमें रेडी करके IPL के ऐसे दिखा कि बोलते IPL के लिए काफ़ी प्लेयर्स चाहिए अब नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में, अब IPL के लिए प्लेयर्स, तो ये बच्चों रेडी हो गए, जैसे मुझे 4-5 ईयर्स में इंशाल्लाह 5-6 प्लेयर IPL के लिए गुजरात हैं, तो कोई भी टाइटल्स के लिए मैं रेडी करके दूंगा, मेरा वादा है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब।